दरे नबी पर आते हैं। पहला खाना काबा की नजर पड़ी, जो जो भाई देख रहा है उनको सब दुआ मांगना। 1 2 3 गो। अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि आज है जुमरात का दिन और मैंने जाना है उम्रे पे। इंशाल्लाह 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 आज उम्रा करने जाना है। कल आज शाम को निकलेंगे, सुबह इंशाल्लाह पहुँचेंगे, कोई रात के 2-3 बजे पहुँचेंगे। तो उम्रा सुबह फर्स्ट टाइम ही करेंगे, तो कल शाम में वापस भी आना है। एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो अभी बस मैंने थोड़ी देर पैकिंग ही कर ली है। ये हिस्ट्री में ले आया था भाई, ये सामने वाले रूम से, इधर भाई सामने रूम है बाहर, उधर से मैं हिस्ट्री वगैरह लेके आया हूँ। अभी कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, तैयारी शारी करते हैं। दो हो गए हैं, दो भाई 3 हो गए हैं, तो तैयारी शारी करते हैं। तो यार एनीवेज वेलकम बैक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन लाजमी दबा देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँच जाए आसानी से। तो यार ये बैग वगैरह मैंने ये छोटा निकाल के रख लिया, चीज़ें वगैरह पूरी कर रहा हूँ, बस सारी चीज़ें निकाली हैं। ये अहराम वगैरह कल मैंने वॉश कर दिया था, कल वॉश करके चीज़ें वगैरह पूरी हैं। बस अभी कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, इधर ये इस्त्री वगैरह पड़ी है, तो कपड़े वगैरह प्रेस करके फिर मिलते हैं, रेडी शेडी होते हैं। टाइम भी बहुत कम रह गया, तो दिस साथ साथ आपको दिखाते हैं जी क्या क्या रास्ते में, यानी है कोई यहाँ से जम्बो से सफ़र कोई 300-400 किलोमीटर है, कोई लग जाएगा 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो चलो तैयारी शारी करते हैं फिर। हाँ जी यार, तो कपड़े शपड़े प्रेस कर लिए मैंने, ये देखो बस जैसे भी हुए हैं कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं। इधर भाई और किसने देखना है, इस्त्री वगैरह वापस रख दिया। तो मैं ना अभी यार फ्रेश हो लूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आगे 3:30 हो गए हैं, तो रेडी शेडी हो गया, क्योंकि 4:30-5 बजे गाड़ी निकलती है यहाँ से, तो मैं आगे बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तो रेडी शेडी होते हैं, जाके नहाते हैं, नहाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। बूम, हाँ जी यार, तो रेडी शेडी हो गया, नहा शहा के आ गया बिल्कुल। बस ये आराम वगैरह रखने वाला है, वो भी अभी बैग में डालता हूँ। ये नीचे बैग पड़ा है, ये छोटा बैग भी रेडी है, तो बस हम भी रेडी हैं। बस अभी थोड़ा सा टाइम है जाने के लिए, कुछ घंटे एक रह गया, बस मैं मोबाइल वगैरह चार्ज कर लूँ, बगैर पावर बैंक वगैरह चार्ज कर लिया, तो बस अभी रेडी शेडी हो गया, अभी वेट करते हैं। वेट करने के बाद फिर आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर ही। होटल में बैठे हुए अभी, टाइम काफ़ी था, तो मैंने कहा चलो खाना खाना खा लेता हूँ, थोड़ा आराम से खाना नहीं मिला, तो लेट हो गया, वहाँ जाकर टाइम तो टाइम से खाना खा लूँ। बस अभी ऑर्डर किया, वो भी आता है खाना। ये आ गया भाई खाना, ये पठानों का तमीज़ है और ये नमकीन गोश्त है भाई। ये वही होटल है जो मैं ना अभी खाना खा रहा था इधर बैठ के, ये होटल है इधर जम्बो में ना। तो अभी अजान हुई है मगरिब की, तो इन्होंने होटल बंद कर दिया और मुझे बाहर निकाल दिया। ये देखो साथ ये भी दुकान बंद हो गई है, और वो सामने देखो वो भी दुकानें बंद हो गई हैं। अभी मेरे सामने एक कस्टमर आया चाय लेने के लिए, उसको उन्होंने चाय नहीं दी कि यार नमाज़ पढ़ो, नमाज़ का टाइम हो गया। तो ये रोज दुआ है कि हमारे पाकिस्तान में भी आ जाए, और ऐसा नमाज की पाबंदी होनी चाहिए हर जगह पे। तो गाड़ी में बैठ गया, तो गाड़ी मिल गई है, ये देखो गाड़ी तकरीबन फुल ही है। ये पीछे मेरे साथ कोई भी नहीं है, पीछे वाली सीट मिली है। साहब तो हम ये मिकाप पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे राम वगैरह बंद ना, तो बस राम वगैरह बांध के आगे फिर अगले सफ़र पे इंशाल्लाह जाएंगे। आगे सिर्फ यहाँ से 2 घंटे का रास्ता, फिर हम हरम शरीफ में पहुंच जाएंगे। ये देखें भाई, यहाँ की मस्जिदों में पानी आम होता है, यहाँ पे जितना मर्जी पानी पी लो। ये तो नफल वगैरह भी पढ़ लिए, इधर नफल वगैरह पढ़ लिए, अभी हम अगले सफ़र पर चलते हैं। ये सारा मिकाप है, ये सारा और बाहर सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं। तो चलो अभी हम गाड़ी की तरफ चलते हैं, मिलते हैं हरम शरीफ के। साहब हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अंदर जा रहे हैं मक्का शरीफ। ये देखो सुभान अल्लाह, माहिल क्लॉक टावर सामने है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा उमरा करने जा रहा हूँ, बस अभी आगे पहुँच गए, फिर आपको हरम शरीफ भी दिखाते हैं। ये क्लॉक टावर है भाई साहब, ये अंदर का, ये भी हम अंदर जा रहे हैं, बाबा फहद दरवाज़ा से अंदर एंटर होंगे। बहुत अच्छी भाई सार है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर सबको लेके आए। ये भाई अंदर खाना काबा की तरफ जगह जा रही है, नज़र ही नीचे होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं जो खाना काबा के पहली नज़र पड़ती है, जो दुआ मांगो ना पलक झमकने से पहले वो पूरी होती है। सबसे आपको भी दिखाऊँगा, तो खुद भी दुआ मांगूँगा। चले जी आपको भी नज़ारा कराते हैं, पहला खाना काबा की नज़र पड़ी, जो जो भाई देख रहा है उनको सब दुआ मांगना। 1 2 3 गो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक। ये देखो अभी सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ से सफ़ा मरवा स्टार्ट हो रही है। ये वो पुराना पहाड़ भी नज़र आ रहा है। ये पुराना पहाड़ है। ये माशाल्लाह रश चेक करो भाई साहब। सर जहाँ पे ये वो पहाड़ है जहाँ पे ये सफ़ा मरवा का पुराना पहाड़ है। ये यहाँ पे नफल पढ़ते हैं सफ़ा मरवा, जब ख़त्म होता है ना आखिरी चक्कर होता है तो यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन अभी इन्होंने बंद किया हुआ है। फ्री हो गया बस, ये लास्ट चक्कर था अभी। अभी दाम फ्री और मुँह भी धोया, बड़ा फ्रेश हो गए हैं। ये देखो रश भी कम हो गया अब। शरीफ के सुबह के मनाजर, क्या खूबसूरत मनाजर है। मैं इधर आ गया था नमाज पास पढ़ लिया, ईशा फजर की नमाज पास पढ़ी है। नमाज पास पढ़ के फिर मैं होटल भी आ गया, थोड़ी देर रेस्ट करनी है क्योंकि यार सारी रात का सफ़र किया हुआ और एक मिनट भी नहीं सोया। तो ये फ्लोर आ गया अपना, तो पाँच रूम है हम, एक क्या कहते हैं एक रूम में पाँच लोग हैं। तो वो भी जाकर देखता हूँ, वो जाग रहे हैं सो रहे हैं। तो बस अपना फ्लोर आ गया, ये है वो रूम। तो यार चलो ठीक है, मैं अंदर जाकर नहीं बोल सकते क्योंकि सारे रेस्ट कर रहे होंगे, तो रेस्ट करके फिर मिलते हैं। भाई साहब रेस्ट रेस्ट हो गई है बिल्कुल, अब टाइम हो गया तकरीबन 11:30 हो गया। कोई 3-4 घंटे रेस्ट कर लिए बहुत है हमारे लिए। तो अभी ना बस निकल जाते हैं हरम पाक के लिए, जमा पढ़ना है, जमा शमा पढ़ के फिर हमने 2 बजे निकलना भी है। और अभी सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता भी करना है, अभी उठ के नाश्ता वगैरह भी करते हैं। मैं आपको ना होटल के नीचे का मनाजर दिखाता हूँ। ये रहा हमारा नीचे, ये देखो ये सिर्फ जाना हमने। हाँ जी, तो यार ये थे नीचे का मनाजर। अभी हमने नीचे जाना, नीचे चलते हैं नाश्ता वगैरह भी करते हैं, नाश्ता वगैरह करके फिर सीधा जाते हैं हरम पाक में, सामान वगैरह साथ ही ले जाते हैं। ये था हमारा होटल जी, ये 5 लोग थे हम, वो उधर वाशरूम था, अभी अंदर बंदा नहा रहा है। तो बस निकलते हैं यार, मैं जल्दी से निकलते हैं, नीचे जाकर नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद फिर आपको मिलते हैं हरम पाक के अंदर ही। सामने होटल है, उधर से खाना खा लेते हैं, पाकिस्तानी होटल है वो सामने, उधर से कुछ खा लेते हैं पहले, फिर चलते हैं आगे। यार अभी मैंने टाइम देखा, टाइम देखने के बाद पता लगा कि टाइम तो बहुत कम रह गया, 12 हो गए हैं। तो जुम्मा भी पढ़ना है, जाके जुम्मा शुमा पढ़ना है, जुम्मे के बाद एक दफ़े ना सुकून से खाना खा लेंगे। टाइम अभी काफ़ी बड़ा होगा, 1 घंटे होगा, तो आराम सुकून से खाना खा लेंगे। पहले अभी जाके ना हरम शरीफ में जगह मिलते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाना, फ्राइडे है तो पहले उधर ही चलते हैं। देखो कितना रश लगा हुआ है। सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर से गाड़ी में बैठ जाएंगे फिर। यार मैं पहुंच गया हूँ इधर अपने कैंप के पास, उतर गया हूँ। तो बस वहाँ से गाड़ी निकल आई थी तो व्लॉग नहीं बनाया, सो गया था।
तो यार ये वाला व्लॉग मैं करता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। यार ये वाला व्लॉग में कुछ क्लिप में शोर ज़्यादा होगा क्योंकि ना मैं माइक लेके जाना भूल गया था, जल्दी जल्दी में निकले थे तो बस गुजारा करना ठीक है। तो ये वाला व्लॉग मैं करता हूँ यहीं पे एंड। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कर देना, बेल आइकन लाजमी दबा देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।